friend, welcome back to my YouTube channel. Today here I will teach you how to ask negative questions. Negative question means interrogative plus negative sentence, we call it negative question. One more thing, how to ask such type of question during conversation with someone. Here we will study about it. Negative question is different and negative sentence is different. Negative question आपके अलग होता है और negative sentence अलग होता है. नेगेटिव क्वेश्चन मीन्स इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस. स्पोकन टर्म में हम इसे नेगेटिव क्वेश्चन कहते हैं. नाउ व्हाट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन आर जनरली आस्क्ड ड्यूरिंग कन्वर्सेशन फॉर पैसिव वॉइस इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और नेगेटिव क्वेश्चन. इफ आई गिव यू फ्यू इलस्ट्रेशन इन हिंदी, क्या उसे इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जा रहा था? क्या पेन से लेटर नहीं लिखा जा रहा था? क्या बोतल में पानी नहीं डाला जा रहा था? क्या मोबाइल को क्लास में नहीं चलाया जा रहा था? क्या टीवी का वॉल्यूम नहीं बढ़ाया जा रहा था? क्या पेट्रोल का प्राइस नहीं बढ़ाए जा रहे थे? क्या आपके फादर का ट्रांसफर नहीं किया जा रहा था? क्या उनसे बात नहीं की जा रही थी? क्या ग्राउंड में मेला नहीं लग रहा था? क्या गाने नहीं गाए जा रहे थे? क्या फसल नहीं काटी जा रही थी? इस तरीके के जितने भी हिंदी में सेंटेंस है, यही हमारे निगेटिव क्वेश्चन कहलाते हैं पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए. यार मैंने आपको लिविंग ऑब्जेक्ट के भी एग्जांपल हिंदी में बताएं और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के भी. नाउ वी लुक इट्स स्ट्रक्चर, हाउ टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस. ऑब्लिक वर्ब प्लस बाय प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस नोन प्लस बीन स्ट्रक्चर विल बी वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस एम्बिटेड प्लस बाय पैसिव ऑब्जेक्ट इट मीन्स ऑप्शनल एजेंट प्लस अदर वर्ड्स देन क्वेश्चन मार्क. अगेन आर स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव क्वेश्चन वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस एम्बिटेड प्लस बाय पैसिव ऑब्जेक्ट इट मीन्स ऑप्शनल एजेंट प्लस अदर वर्ड देन क्वेश्चन मार्क. दिस इज स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव क्वेश्चन. ये आपका नेगेटिव क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर है. नाउ दिस स्ट्रक्चर कैन बी फ्रेम बाय यूजिंग अनदर वे. इस स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से भी फ्रेमिंग कर सकते हैं. यदि आप इस नोट को यहाँ पे पुट नहीं करना चाहते, इस नोट को, ये नोट को आप वॉस और वर्क के साथ में कंबाइन कर दें. यदि आप ये नोट यहाँ पुट नहीं करना चाहते तो आप ये वॉस और वर्क के साथ में कंबाइन कर सकते हैं. ये आपकी चॉइस है, पुट करना चाहें तो करें, या तो आप इस नोट को यहाँ पे वॉस और वर्क के साथ में कंबाइन करें. आप इसको बोलते हैं वॉस एंड ऑब्लिक वरेंट वरेंट वरेंट. वी कॉल इट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म. इसको हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कहते हैं. ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ही होता है. और ये आपका जो बाय पैसिव ऑब्जेक्ट का रोल है, जब कभी आप किसी एजेंट के थ्रू वर्क को परफॉर्म करना है तो आप ये बाय पैसिव ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेंगे, अदरवाइज इट हैज टू बी एलिमिनेटेड. इसको एलिमिनेट करेंगे. नाउ वी लुक एग्जांपल. फर्स्ट आई एम गिविंग एग्जांपल फॉर एक्सप्लेनेशन. Were people not being nagged never employees d
due to protest. Were people not being named by employees due to protest? Were people not being named by employees due to protest? It's Sindhi meaning will be क्या लोगों को प्रोटेस्ट करने पर एम्प्लॉयज के द्वारा नहीं अरेस्ट किया जा रहा था. अरेस्ट मीन्स नेब. नेब एंड अरेस्ट बोथ आर सिमिलर मीनिंग. नेब एंड अरेस्ट बोथ आर सिमिलर मीनिंग. दैट इज इट्स सिंधी मीनिंग. नाउ यू आर लुकिंग दैट दिस सेंटेंस हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर. एज पर स्ट्रक्चर यू आर सीइंग दैट व्हेन पैसिव सब्जेक्ट इज प्लुरल नाउन यू हैव टू पुट वर्क. पैसिव सब्जेक्ट इज सिंगुलर नाउन यू हैव टू पुट वॉज. People are passive subject. Were people not then being plus ambithard. That means arrest. That is our ambithard. ये हमारा many verb का third form है. By passive object. Employees by employees ये हमारा by passive object है. By employees ये हमारा by passive object है. और other word क्या है हमारा due to protest. Due to protest then question mark. ये हमारा सेंटेंस निगेटिव क्वेश्चन है. सॉरी ये सेंटेंस हमारा निगेटिव क्वेश्चन है. ये हमारा निगेटिव क्वेश्चन के लिए आप समझ गए होंगे. वन मोर थिंग इफ आई डू नॉट वांट टू पुट हियर इट विल बी कंबाइंड विद वर्क. यदि इस नोट को मैं यहाँ पे पुट नहीं करना चाहता तो मैं इसको वर्क के साथ में कंबाइन कर सकता हूँ और यहाँ से नोट को रिप्लेस कर दूंगा. समझिए आपने यहाँ से नोट को रिप्लेस कर दिया. आप नहीं पुट करना चाहते तो आप वर्ग के साथ में कंबाइन करें. वी कॉल इट वरेंट. किस तरीके से सेंटेंस की फ्रेमिंग होगी. वरेंट पीपल बीइंग नेब्ड बाय एम्प्लॉयज ड्यू टू प्रोटेस्ट. इस तरीके से सेंटेंस की आप फ्रेमिंग कर लेंगे. ये तो मैंने आपको नोट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बता दिया. सपोज डेट पैसिव ऑब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल. पैसिव ऑब्जेक्ट आपका अवेलेबल नहीं है. एंड सेंटेंस हैज टू बी क्रिएटेड. सेंटेंस को क्रिएट करना है. आप किस तरीके से करेंगे. आप समझे मैं विदाउट पैसिव ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को फ्रेमिंग करना चाहता हूँ. मैं किसी एजेंट के थ्रू वर्क नहीं करना चाहता. तो अभी मैं आपको सेपरेट लिख देता हूँ. इसी एग्जाम्पल को मैं बता देता हूँ बिना पैसिव ऑब्जेक्ट का यूज किए. वर्क पीपल not being net were people not being net. Were people not being nabbed? Its Hindi meaning will be क्या लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा रहा था. क्या फिर लोगों को अरेस्ट नहीं कर रहे थे. That is its Hindi meaning. अभी आप इस सेंटेंस में देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने कोई ऑप्शनल एजेंट का रोल प्ले नहीं किया. तो इसकी हिंदी मीनिंग इस तरीके से निकली. इसकी मीनिंग टोटली डिफरेंट हो गई. यदि आप यहाँ पे अदर वर्ड भी पुट करना चाहते हैं तो आप ड्यू टू प्रोटेस्ट भी पुट कर सकते हैं. आगे आप ये ड्यू टू प्रोटेस्ट भी पुट कर सकते हैं या आपकी चॉइस यदि करना चाहें तो. आप लास्टिंग क्वेश्चन मार्क कर दीजिए. अब आप देखें वर पैसिव सब्जेक्ट पीपल देन नॉट बीइंग एम्बिटेड. पहले मैंने मेन वर्ब पे थर्ड फॉर्म ही किया था डेट तक. ये आपका नेम वर्ब पे थर्ड फॉर्म और ये अदर वर्ड. ये अदर वर्ड ये आपका बाय पैसिव ऑब्जेक्ट का रोल हट गया. क्यों. क्योंकि यहाँ पे कोई एजेंट के थ्रू वर्क नहीं हुआ है. मीन्स आप एजेंट के थ्रू वर्क नहीं करेंगे तो आप सब पुट करने की आवश्यकता नहीं है. आप ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट को एलिमिनेट करने की कोशिश करें. बट इफ वर्क इज डन बाय एजेंट यदि वर्क एजेंट के द्वारा होता तो आपको पुट करना मैंडेटरी है. नाउ वी लुक मोर एग्जांपल. फर्स्ट वी आर टेकिंग लिविंग विद ऑब्जेक्ट एग्जांपल. वॉज सी नॉट
being pointed in her house. Was she not being taunted in her house? Was she not being taunted in her house? Its Hindi meaning will be, क्या उसे उसके घर पे ताने नहीं मारे जा रहे थे? क्या उसको उसके घर पे ताने नहीं मारे जा रहे थे? That is its Hindi meaning. If you want to combine not with was, you can do it. आप इस not को was के साथ भी combine कर सकते हैं. We call it wasn't. We call it wasn't. आप यहाँ से नोट को रिप्लेस करेंगे, यहाँ से आपने नोट को रिप्लेस किया और वॉस के साथ में कंबाइन कर दिया. वी कॉल इट वॉसेंट एंड हम इसे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म देते हैं. वी कॉल इट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म. सेंटेंस विल बी वॉसेंट सी बीइंग टॉन्टेड इन हाउस. सॉरी, वॉसेंट सी बीइंग टॉन्टेड इन हाउस. इस तरीके से आपका लेंगे. ये आपकी चॉइस है, चाहे आप ऐसा कर लें चाहे ऐसा, ये आपकी चॉइस है. इसको हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं. Next example. Were you not being Were you not being promoted as project in charge? Were you not being promoted as project in charge? क्या आपको project in charge की तरह promote नहीं किया जा रहा था? That is its Hindi meaning. Similarly, you can combine not with were. Not will be combined with were. We call it weren't. And here it is replaced. आप यहाँ से not को replace करना चाहते हैं तो were के साथ भी combine कर सकते हैं. We call it weren't. आपकी चॉइस है, चाहे आप ऐसे सेंटेंस की आस्किंग कर लें चाहे आप कॉन्ट्रैक्शन बना लें. आप नोट को वर्क के साथ में कंबाइन करा. वी कॉल इट वारंट. वारंट यू बीइंग प्रमोटेड एज अ इंचार्ज. मीनिंग विल बी सेम. मीनिंग आपकी सेम है जो मैंने आपको हिंदी में बताई. आप यदि इस कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करके सेंटेंस की फ्रेमिंग करेंगे तो इसको ज्यादा इम्पैक्ट करता है फॉर आस्किंग क्वेश्चन क्वेश्चन करने के लिए. Now our next example. Was Rajesh not told about Was Rajesh not being told about a job? Was Rajesh not being told about a job? Its Hindi meaning will be, क्या राजेश को जॉब के बारे में नहीं बताया जा रहा था? क्या राजेश को जॉब के बारे में नहीं बताया जा रहा था? That is its Hindi meaning. Now next example. Weren't they being explained this theory. Bias.
weren't they being explained this theory by us? Weren't they being explained this theory by us? Its Hindi meaning will be, क्या उन्हें हमारे द्वारा इस थ्योरी को नहीं समझाया जा रहा था? क्या उन्हें हमारे द्वारा इस थ्योरी को नहीं समझाया जा रहा था? That is its Hindi meaning. Now, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने सेंटेंस की फ्रेमिंग डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करके की है. मीन्स मैंने यहाँ पे नोट नहीं पुट किया, मैंने डायरेक्ट वारंटी यूज कर लिया. ये आपकी चॉइस है, आप किस तरीके से सेंटेंस बनाना चाहते हैं. इट डज नॉट इम्पैक्ट ऑन एनी सेंटेंस एंड यू हैव टू यूज मोर टू मोर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म. आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का ज़्यादा यूज करें सेंटेंस की फ्रेमिंग करने के लिए. नाउ वी हैव सीन लिविंग विंग ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल. अभी मैंने आपको लिविंग विंग के ही सारे बताएं, अब मैं आपको एग्जाम्पल नॉन लिविंग पे बता रहा हूँ. Was a chair not being broken? Was a chair not being broken? Its Hindi meaning will be, क्या चेयर को नहीं तोड़ा जा रहा था? क्या चेयर को नहीं तोड़ा जा रहा था? या फिर क्या चेयर को नहीं तोड़ रहे थे? That is its Hindi meaning. Both are its Hindi meaning. If you do not want to put not here, not will be combined with was. We call it wasn't. आप इस नोट को यहाँ पुट नहीं करना चाहते तो आप फोर्थ वाले सेंटेंस की तरह कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बना लें. आप यहाँ से नोट को रिप्लेस करें और आप इसको वॉसेंट कर दें. वॉसेंट इस तरीके से होगा, वॉसेंट अ चेयर बीइंग ब्रोकन. मीन्स क्या इस चेयर को नहीं तोड़ा जा रहा था? मीनिंग विल बी सेम, मीनिंग सेम रहेगी आपकी. नाउ हियर आई एंड योर यूनिटी क्वेश्चन. हियर वी हैव सीन इट्स स्ट्रक्चर, हाउ टू फ्रेम यूनिटी क्वेश्चन फॉर कन्वर्सेशन. And we have seen its various example by using structure. And I have told you use of by passive object, it means optional agent. And when passive object is available, you have to put it. Otherwise, it has to be eliminated because we do not want to perform work by using agent. अभी हमने negative question किस तरीके से करना है ये सीखा. हमने इसके structure भी देखे, हमने इसके वर्ब फॉर एग्जाम्पल भी देखे. हम उन एग्जाम्पल को यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस की फ्रेमिंग करें और हम इसको अच्छी तरीके से समझ चुके हैं. ठीक है, यहाँ मैं आपका रिएटिव क्वेश्चन का टॉपिक एंड करता हूँ. कंटिन्यू फॉर वॉचिंग इस नेक्स्ट पार्ट. इफ़ यू लाइक आर वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट. आप इसके नेक्स्ट पार्ट को भी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें. यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. डेट फॉर